अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से और फिट फाट होंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो सबसे पहले इसको दाना पानी डाल लें क्योंकि ये फिर अपने अंडे खा जाती है, तो इस वजह से भाई सबसे पहले ज़रूरी सबसे ज़रूरी यही है। तो ये तो रख लें पहले इसको उठा के, बल्कि मैं तो चाह रहा हूँ ये इसके आगे भी दाना डाला, मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा इसको ना देख लें, इसको चेक कर लेते हैं उठा के अंडे सही है ना, क्योंकि अंडे वैसे तो मुझे सारे नज़र आ रहे हैं। शुक्र अल्लाह का दाना पानी भी रख दिया इसका, लेकिन एक दफ़ा और मज़ीद हम चेक कर लेते हैं। हाँ चार पाँचवा लो जी बस, वो देखें अब मैं क्या करूँ इसका, मुझे बताएं। यही मसला आता है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये ही मार रही है, ये खा रही है, या कोई और चीज़ है जो आके ये काम कर रहा है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि यही है। देखे ना आप, चोंच लगी हुई है, अब सारा बच्चा देखो खून भी लगा हुआ है, यानी कि बच्चा भी अंदर बना हुआ था, पांच अंडे रह गए थे, उसमें भी इसने काम ख़राब कर दिया। अब तो इसको लाजमी सेटअप से मैंने निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने हर हाल में इस मुर्गी को अपने सेटअप से निकाल देना, मेरी बस हो गई है। इतना इंतज़ार किया, इतना सब कुछ किया और एंड में आके ये हर ये काम मिल रहा है यार। हालांकि अब बच्चे तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, और दिन भी तकरीबन इसके पूरे हो चुके हैं, बस कुछ दिन रह गए हैं, उसके बाद अंडों में से बच्चे निकल आने थे, और देखें चार रह गए। अब क्या करूं मैं, इसका समझ से बाहर है मेरे तो, यकीन माने मैं इतना बंदे को दिल से चाह होता है कि यार बच्चे निकलेंगे, छोटे छोटे हमारे शेरू के बच्चे आएंगे। आपका जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उन सबको पता होगा कि मैं कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इन बच्चों का, क्योंकि लास्ट टाइम भी निकले थे दो बच्चे, इनको मैंने सोचा पहले इनको दाना डाल दूँ, क्योंकि बेचारी मुर्गियाँ ये भूखी हैं, तो इनको थोड़ा सा मिक्स करके ना ये दाना और सारा हमारा वेस्ट होता है किचन का और दाना, ये मिक्स करके हम मुर्गियों को डाल देते हैं, ताकि ये इजी हो के आराम से अपना शौक से भी खा लेती हैं, और इनके ताकत भी आ जाती है, ताकतवर भी बन जाता है ये दाना, तो ये बेस्ट हो जाता है ये। देखें जी, चलो जी तुम लोग खाओ आराम से अंदर बैठ के, ये लो जी आराम से खाओ, इतने में बाहर बाकियों को निपटाऊँ। पानी भी नंगा बाद में ही चेंज करूँगा, अभी तो सिर्फ खाली कर देते हैं, क्योंकि पानी सबका एक ही दफ़ा आता है सारों का। अब चलते हैं, चल के ना पहले बाकी सबको निपटा लेते हैं। ये ना जी तुम पानी भी साथ ही पी लो, बाकी सबको बाद में देखी जाएगी, क्योंकि इनको तो मैं खोलता नहीं हूँ ना, ये अंदर ही बंद रहते हैं, इस वजह से ये अब हो गए बंद बस पक्के जी। अब ये छोटू गैंग का बना के लेके आऊँ, तो फिलहाल इनको भी डाल देते हैं साथ के साथ, ताकि ये भी खा ले। ये देखे इनके जा तो देखे माशाल्लाह, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश, तुम लोगों का भी खाना तैयार है। ये देखे ये सारे वेट में होते हैं, तो अल्लाह करे बस ये भी जल्दी से बड़े हो जाए, इनको हम बिठाएंगे अंडों पे इंशाल्लाह। देखिएगा जो हमारा जो ये मुर्गियाँ हमारा शौक ना पूरा कर सकी ना, वो ये पूरा करेंगी, ये मैं आपको शर्तियाँ बता सकता हूँ। ये ना जी बाकी ये थोड़ा सा पानी भी इनको डाल देते हैं साथ ही, आराम से अपना खा पी लेंगे ये, और जो बच गया है वो हम जाके शेरू को डाल देंगे, और न्यू फीमेल जो हमारी आई हुई है एक ब्लैक, उसको तो अपने ये आराम से खाते रहें जो मर्ज़ी करते रहें, और लेकिन बस जल्दी से बड़े हो जाओ। तुम यहीं पर ही ठिठर गए हो, जितना हमने तुम्हें देख रहे थे कब से वैसे के वैसे ही तुम फिर रहे हो, जल्दी जल्दी बस बड़े हो जाओ यार, बहुत इंतज़ार कर लिया तुम लोगों ने। वो देखें जी मैंने एक केज का दरवाज़ा खोला, और वो देखें बच्चा भी निकल गया उनके साथ, चेक करें ये पहली दफ़ा उड़ा है, अल्लाह खैर करे, मुझे तो खुद टेंशन लगी हुई है कि बस अल्लाह करे ये नीचे आ जाए। वो देखें और ये काफ़ी देर हो गई है इसको उड़ते हुए, अभी तक मैं इसको बुला रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा नीचे, मैंने कहा अल्लाह खैर करे यार जल्दी से बस नीचे आ जा, फर्स्ट टाइम है ना तो पहली दफ़ा आ जाए नीचे, फिर उसके बाद ये है कि चलो सुकून हो जाएगा। अब मैं कब से कि माने मेरा ऐसी तैसी हुई है, मेरा दिल ना हलक में आया हुआ कि यार ये पता नहीं क्या बनेगा। ये देखें ये अल्लाह करे बस नीचे उतर जाए, क्योंकि एक दफ़ा नीचे उतर गया ना फिर हमें आसरा हो जाएगा कि यार अब कहीं नहीं जाता नेक्स्ट टाइम। उतर जा यार प्लीज़ यार, तुम्हारी मेहरबानी यार, आज पहली दफ़ा उतर जा नीचे,
उसके बाद फिर देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम उधर जा ले जी, शुक्र अल्लाह का, शुक्र है कि पहली दफ़ा की फ़्लाइट कामयाब रही। तो सबसे पहले इनको दाना डाल दें ताकि ये दोबारा ना जाए, दोबारा ना उड़े सले, कोई पता नहीं ये दोबारा इनको लेके उड़ जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले भाई इनको दाना डाल दें, दाना डाल दिया। मैं ठहरे, मैं ना पानी भी डाल दूँ, बेचारे प्यासे भी हो रहे होंगे क्योंकि अभी उड़ के आया तो फर्स्ट टाइम है ये। देखे ना, ये असल में छोटू गैंग चढ़ जाती है ना पानी के अंदर, तो सारा पानी गंदा कर देती है, फिर दोबारा से भरना पड़ता है धो के। तो इस वजह से ये ले जी पानी भी आ गया, अपने आराम से पानी भी पियो और आ जाओ जी। ये देखें अभी जाएंगे पानी पीने, वो देखें पानी पी रहे हैं ना। तो ये भी सारे के सारे पानी भी पी लेंगे, अपना दाना पानी उठा लेंगे। बाकी अंदर वाले जो हैं उनको भी मैंने सबको ही दाना डाल दिए। तो माशाल्लाह से आज कामयाब, पहली फ़्लाइट कामयाब रही इसकी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी इंशाल्लाह ऐसी ही रहेगा, देखिएगा। ये देखें अब आप लोग बताएं मैं क्या करूँ इस फीमेल का, क्योंकि अब फिर कुछ भाई कहते हैं कि यार आप देखा करो, आप ना इस तरह किया करो फीमेल एक्सचेंज। तो पहले भी हमने इसी तरह करी थी, तो अब मुझे बताएं कि कितना वेट करा है हमने इनका, और अभी भी अगर हम इस फीमेल को और देखें तो कितना और देखें। अब तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस फीमेल का और क्या करूं। अब देखें ये बिल्कुल सही अंडा था, खून भी निकला हुआ, आपको पता लग रहा है कि यार वाकई इसमें से बच्चे निकलने थे, इसमें बच्चा बना हुआ है पूरा, लेकिन मर चुका है, उसने सारा तोड़ दिया अंडा। चलें खैर, अल्लाह मालिक, ये नसीब में नहीं था। तो आज के व्लॉग का एंड करेंगे हम यहीं। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और हमारे इस चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।